दो दिन पूर्व उज्जैन के महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह को लेकर प्रदेश सरकार ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन करने के निर्देश दिए थे, जिसमें 3 दिनों तक मंदिर परिसरों के अलावा धार्मिक स्थलों पर आयोजन होने थे। शमशाबाद विधायक राज श्री रुद्र प्रताप ने बाकायदा घर पर पीले चावल बंटवाए थे और परिवार सहित आयोजन में आने का न्योता दिया था, लेकिन पहले दिन विधानसभा में कई जगह धार्मिक आयोजन के साथ कलश यात्रा निकालकर संतों का सम्मान कर संपूर्ण शमशाबाद क्षेत्र में भगवा करने की अलग डाल रखी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब सत्ता की खुमारी स्वभाव पर होती है तब एक नेता अपने अधिकार और कर्तव्य को भूल जाता है और राजनीति करने के चक्कर में जनता को लोक लुभावने प्रलोभन देना शुरू कर देता है। बुधवार की रात पीपलखेड़ा के शासकीय स्कूल में विधायक ने राय नृत्य कराकर ऐसा समा बांधा कि लोग तालियां पीटने के लिए मजबूर हो गए। एक साथ 6 नृत्यांगों के नृत्य ऐसे ठुमके लगाए गए जिसको देखकर लोग अचरज में रह गए कि कुल मिलाकर बुधवार की रात्रि को अस्थिरता परोसी गई। इसमें यूपी और बिहार की राजनीति की तस्वीर नजर आती है। इतना ही नहीं, मंच पर तो बैनर लगा हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फोटो शोभामान्य थे और वहीं मंच से एक और अंतिम छोर से अंतिम व्यक्ति तक शासन और अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सपना देखने वाले पंडित दीनदयाल का चित्र भी रखा हुआ था। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। मेरे पास रुद्र प्रताप सिंह जी का फोन आया था कि प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम के लिए आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे। तो हमने तो कोई रोकी भी नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता ही नहीं होती, जो वो तो हमारा संवैधानिक पद है तो उनके कोई कार्यक्रम है तो उनमें कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं, वो तो हर स्कूल में चलते हैं कार्यक्रम, चाहे CM साहब का हो, PM साहब का हो, किसी का भी का हो, तो वो उसके लिए स्कूल में कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। तो मैंने प्राचार्य को फोन किया था, PM साहब का कार्यक्रम है तो उसकी परमिशन आप दे दो, तो 11 तारीख को हुआ था तो 11 तारीख को उनकी परमिशन हमने दे दी थी। कल जिस प्रकार से जो कार्यक्रम होगा राय आवेदन, ये मुझे अभी मेरे आपने अभी बताया है, ये मेरे संज्ञान में नहीं था। अभी मैं इनको नोटिस जारी करता हूँ कि ऐसा कैसे हो गया, जब प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम की, इसमें ये प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम तो है नहीं, प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम हमारा उसका था, वो 11 तारीख का था, उनका उसकी परमिशन थी सबको, बल्कि स्कूलों को कहा गया था जो भी कराएं तो PM साहब का कार्यक्रम होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।